डेफिनेटली सर आप काफी खुश लग रहे हैं। मैं ये मेरा तो मेरा खुशी खुशी छुपाई नहीं छुप रही है। तो अब 13 वीक्स के बाद 13 हफ्ते के बाद 13 हफ्ते बाद आई हूँ वापस। अगर खुश नहीं होंगे ना तो बिग बॉस शुरू हो जाएगा मेरे घर में इनके साथ। तो खुशी तो दिखानी पड़ेगी। वैसे मुझे लगता है ये खुश तो है मगर इनकी जो 13 हफ्तों में पार्टियां हुई है ना मेरे पीछे वो सब खत्म हो गई है ना। रियली रियली मुझे खबर मिल रही है बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। बहुत गुस्सा आ रहा था इनको। ठीक है यार ऐसे आई कैन अंडरस्टैंड इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू। हेल्पलेस जब आदमी फील करता है ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। मैं घर के अंदर थी ये घर के बाहर थे तो कहीं ना कहीं उनको अपना फ्रस्ट्रेशन चैनलाइज करना था तो बिना सोचे समझे गुस्से में आके इन्होंने वीडियो बनाया। मगर सलमान सर ने हमें समझाया है दोनों को कि ये गेम है इसको घर के अंदर छोड़ के आप बाहर फिनिश इट ऑफ। इट वॉज अ गेम। घर के बाहर देखो मैं मानती हूँ कि घर के अंदर जितने लोग हैं दिल के कोई बुरा नहीं है। वो गेम ऐसा होता है कि सबका बैड साइड बाहर निकलता है। तो अब जब मैं घर के बाहर आ गई हूँ आई थिंक आई शुड जस्ट लीव द गेम बिहाइंड और आगे का ज़्यादा ना सोचते हो। आई थिंक वी हैव टू बी ए मेच्योर और सलमान सर ने यही समझाया हम दोनों को एंड वी अग्री विथ हिम। उनका हमने रिस्पेक्ट रखा है डेफिनेटली सलमान सर के लिए कुछ भी। एंड अरे माय गॉड मेरी रोटियां इतनी अच्छी बनती थी कि घर वाले लड़ते थे कि शिफाली ही रोटी बनाएगी और उसमें क्या होता था मैंने बोल दिया मैं रोटी बनाऊंगी और कोई काम नहीं करूंगी। तो मेरे लिए भी अच्छा था। गुजराती होना तो अच्छे गोल गोल गुजराती फुलके बनाती थी। कैमरा एंगल होता था फुलका फूल रहा है जैसे पहना। बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि मुझे बीबी डोमेस्टिकेटेड सर्टिफिकेट मिल गया है। अब मैं बर्तन मांग सकती हूँ मैं कपड़े धो सकती हूँ मैं झाड़ू लगा सकती हूँ थोड़ा बहुत खाना भी बना सकती हूँ। मैं पूरा डोमेस्टिकेट हो चुकी हूँ। आप लोग इतना सब लोग काम करते थे सिद्धार्थ एक्चुअली क्या हुआ कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हमें पूरी सिंपैथी थी उनके साथ। अब एंड में तबीयत ठीक भी हो गई फिर भी वो लिबर्टी ले लेते थे कि यार मेरी तो तबीयत खराब है। हम कहते थे चलो कोई नहीं तुम रेस्ट करो हम कर लेंगे। मुझे नहीं लगता फेवरिज्म है। आप जो अपना व्यक्तित्व दिखाते हो वही लोगों को बाहर दिखता है। और फैन फॉलोइंग इस बार आई थिंक हाईएस्ट रेटेड सीजन रहा है और सभी घर वालों की बहुत ही स्ट्रांग फैन फॉलोइंग रही है। तो क्या होता है एक वीक आप हीरो दिखते हो एक वीक आप विलन दिखते हो क्योंकि घर के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। तो कभी कभी आपको लगता है कि बायसनेस हो रही है बट ऐसा नहीं है। सी आई थिंक वेरी स्ट्रांगली सिद्धार्थ और आसिम टॉप 3 में तो हैं। आरती मुझे लगती है साथ में इनको आजकल मुझे भी लग रहा है। आरती इज गोइंग वेरी स्ट्रांग और आरती मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि वो भी टॉप 3 में आए। बट इट विल आइदर बी आरती और शहनाज। रश्मि बहुत अच्छी प्लेयर है या बट आई थिंक आरती और शहनाज। आरती जाने वाली है। आरती और शहनाज। डन। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच। एंजॉय योरसेल्व्स। थैंक यू। थैंक यू।